झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर कोरोना को मात दे चुके हैं। अब उन्होंने कोरोना से जूझ रहे मरीजों के इलाज के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। रांची के रिम्स में मिथिलेश ठाकुर ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। कोरोना के बेहद गंभीर मामलों में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जाता है। इसी वजह से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना को मात देने वाले मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की थी। मुख्यमंत्री के इसी सलाह को ध्यान में रखकर मिथिलेश ठाकुर ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। राज्य की जनता से और खास करके वैसे लोगों से जो इस संक्रमण की जद में आए हैं और इस कोरोना की जंग जीत कर बाहर आ गए हैं और जिनमें उन्होंने सारी प्रोटोकॉल जो है उसको पूरा कर लिया है, क्वारंटाइन पीरियड से भी मुक्त हो गए हैं और उनमें अगर एंटीबॉडी अच्छी बन गई है प्लाज्मा डोनेट करने के लायक, तो मैं पूरे वैसे लोगों से, सभी वैसे लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आगे बढ़कर आएं और प्लाज्मा का दान करें। इससे बड़ा दान और कुछ भी नहीं हो सकता है कि आप अपने प्लाज्मा से और अपनी इस कोरोना की जंग जीत कर आए हैं और इस अपने प्लाज्मा से आप दो लोगों की जान बचा सकते हैं और मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाने से हमें जो सुकून मिलता है और हमें जो उसका हम भगवान को खुश करते हैं, उससे बहुत बड़ा धर्म यह है कि अपने प्लाज्मा से आप दूसरों की जान बचा रहे हैं और एक नहीं दो दो जान, उनकी दुआएं जो आपको मिल रही है वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही नेक साबित होगी और इस राज्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। जब यहाँ पर प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई थी तो मैं उस समय क्वारंटाइन में था, मेरा प्लाज्मा उस समय नहीं लिया जा सकता था और मेरा ब्लड ग्रुप भी ए नेगेटिव था, लेकिन मैंने रिम्स प्रबंधन को ये सूचना दे दी थी कि जब भी ए नेगेटिव ब्लड की जरूरत हो या प्लाज्मा की जरूरत हो मुझे सूचित किया जाए। और आज कोई हमारे राज्य के ही कोई संक्रमित मरीज जिनको ए नेगेटिव प्लाज्मा की जरूरत है, कल मुझे इसकी जानकारी मिली और मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और बहुत अंतरात्मा को खुशी मिल रही है कि मैं किसी की जान बचाने के लिए काम आ रहा हूँ। और इसी तरह से सभी राज्यवासियों को, जो लोग भी संक्रमण से मुक्त हुए हैं उन्होंने जंग जीती है, उन्हें भगवान ने दूसरी जिंदगी जीत दी है, वो दूसरे की जिंदगी बचाने के भी काम आए। कोरोना को मात देने वाले वॉरियर्स को आगे बढ़कर प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए ताकि कोविड से जूझ रहे गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।